Good morning, ma'am. I am Ilma Mahbub, class 8.1 from Lal Bagh Girls Inter College. Today, I will tell you about maths topic, Parimeya Sankhyaen. ये देखिए परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं, परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं जो अब फ्रैक्शन के फॉर्म में हो, जैसे 2/3, 1/2, 11/51, -2/3। अब परिमेय संख्या हमेशा p अपॉन q के फॉर्म में होती हैं, परिमेय संख्या p अपॉन q के रूप में हो। p कॉमा q पूर्णांकों, p और q दोनों पूर्णांकों, वो धन पूर्णांक भी हो सकती हैं और ऋण पूर्णांक भी हो सकती हैं। अब जो p जो है वो किसी भी नंबर में हो सकता है, लेकिन q नॉट इज इक्वल्स टू 0, q जो है वो 0 नहीं हो सकता। अब परिमेय संख्याओं का योग देखते हैं, अब देखते हैं परिमेय संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं। 1/2 + 3/2 = 1/1 + 3/2, इधर भी है इधर भी है तो फिर 2 सिंगल हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 1 + 3 = 4, 4/2, अब 2 × 2 एंड 2×2 = 4 इज इक्वल्स टू 2 आंसर। अब देखते हैं सेकंड है हमारा -3/5 + -13/5 3/5 - 13/5 अब देखते हैं 3 - 13/5 और ये भी 5 है तो सिर्फ सिंगल 5 लिखेंगे। अब 3 में से 13 जा नहीं सकता, इसीलिए 13 - 3 इज इक्वल्स टू माइनस इज इक्वल्स टू 10/5। अब देखते हैं यहाँ पर माइनस कैसे आया, अब 3 प्लस में एंड 13 माइनस में, अब 3 बड़ा है कि 13, जाहिर सी बात है 13 बड़ा है तो फिर 13 बड़ा, इसीलिए 13 का साइन लगेगा 10 में। अब 5 × 5 एंड 5×2 = 10 इज इक्वल्स टू -2 आंसर, प्रूफ -2। सो कंप्लीट दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।